हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक शॉर्टकट की जो बराबर आप यूज़ करते हैं टैली ERP9 जब खासतौर पे आप चलाते होंगे या फिर चला रहे होंगे तो आप यूज़ करते हैं, अब वो शॉर्टकट की क्या है और वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और वो कई चीज़ों के लिए यूज़ होती है, वो क्या है शॉर्टकट की, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर बाउचर में जाना है तो यहाँ पर देखिए सी हाईलाइट है, ए हाईलाइट है, यहाँ एच हाईलाइट है, तो जो हाईलाइट बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे हमें बाउचर में जाना है तो हमें वी प्रेस कर लेना चाहिए, तो प्रेस कर लेते हैं अभी। अब यहाँ पर आ गए, अगर परचेज बाउचर में जाना है तो F9 प्रेस कर लेते हैं। आ जाएंगे परचेज बाउचर में, यहाँ पे देख सकते हैं हम परचेज बाउचर में आ गए हैं। अब यहाँ पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो आपको डालना होता है, यहाँ पर वो डेट आ जाती है जिस डेट पर होती है परचेजिंग। यहाँ पर आएगा क्रिएटर पार्टी का लेजर, तो ये हो गया क्रिएटर पार्टी, एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर आपको परचेज अकाउंट का लेजर नहीं बना होता, ठीक है, सपोज कीजिए कि परचेज अकाउंट का लेजर नहीं बना है, तो यहाँ पर तो आपको क्रिएट दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ से नेविगेशन की का प्रयोग करके क्रिएट पे जा सकते हैं। लेकिन टैली ERP9 में क्या था कि शॉर्टकट की का यूज करना था, तो वहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस करना होता था। तो देखिए लेजर बनाने के लिए भी अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे आप, और अगर बाहर आ जाते हैं और अब यहाँ पर स्टॉक आइटम की बात करनी है, तो जब भी स्टॉक आइटम भी अगर आपको बनाना है तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ी कमाल की शॉर्टकट की है, कई कामों में आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कैसे इसका यूज करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।